लेकर बन रहे नए नए नियमों से आम जनता में असमंजस्य की स्थिति है, जिससे कई बार लोगों को इससे भारी दिक्कतें भी हो रही हैं। वहीं नियमों के बदलने पर पुलिस की लाठी कई ऐसे निर्दोषों पर भी चली जो इन नियमों से अनजाने लिया जाए। कई बार दुकानदारों को तो कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों को खासतौर पर पुलिस के सख्त रवैये से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई स्थानों पर तो पुलिस मनमाने तरीके से लोगों पर गंभीर धाराएं लगाकर प्रताड़ित तक करने से भी नहीं चूक रही है। जनपद में कई बार लॉकडाउन के नियमों में बदलाव होता रहा है, समय की अवधि कभी बड़ी तो कभी कम हो गई। ऐसे में प्रशासन ने अनुपालन करने के निर्देश तो दिए, लेकिन कई बार लोगों को बदलते हुए नियमों की जानकारी न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस द्वारा भी लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के भी मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि दिन में जनपद में पूरी तरह से आवाजाही की छूट है और सभी दुकानें खोलने के लिए भी नियम जारी हुए हैं, लेकिन 7 बजे के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। नियम को लेकर आम जनमानस में कई विरोध भाष उभर रहे हैं। वहीं विपक्ष भी बदलती नियमों को लेकर पुलिस की कार्यवाही से हो रही आम जनता की दिक्कतों को लेकर लगातार स्वर मुखर कर रही है। कोविड-19 का ये समय चल रहा है, बहुत ही बुरा दौर है व्यापारियों के लिए और जनता के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इस दौर में छोटे व्यापारी और आम जनता परेशान है। सरकार ये कहती है कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक आप भरपूर मार्केट में आइए, भरपूर खरीदारी करिए, और रात को 7 बजे से और सुबह 7 बजे तक आप घर से मत निकलिए। तो क्या ऐसा संभव है कि रात को कोरोना नहीं होगा उन लोगों को? सरकार को अपना राजस्व चाहिए तो उसे दुकानें खुलवा रही है, शराब के ठेके खुल रहे हैं, खनन खुल रहा है, और जो भी छोटी मोटी चीज़ें सब खुलती जा रही हैं, लेकिन ना सरकार इस समय मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में सोच रही है, ना लोअर क्लास के बारे में सोच रही है। जिन लोगों के व्यापार नहीं खुले हैं वो क्या करें? उन्हें तो निकलना पड़ेगा ना अपनी रोजी रोटी के लिए। व्यवस्थाएं क्या हैं सरकार के हाथों से? व्यवस्थाएं फिसलती जा रही हैं जैसा मेरा मानना है, क्योंकि जब लोग घर में जाते हैं खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ व्यक्ति टहलना पसंद करते हैं, जो प्रशासन उन्हें टहलने भी नहीं दे रहा है। पहले ये होता था कि किसी की थोड़ी सी गलती हो जाती थी तो माफ़ी देने के बाद उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज के समय में धारा 41 के तहत उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, जो कि नाइंसाफ़ी है। और उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी पिस रहे हैं जो हमारी फैक्ट्री के वर्कर हैं और जो कामकाज से वापस लौटते हैं, उनका जबरदस्ती उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन द्वारा इसकी आड़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 कह लीजिए, ये शुरू हुआ है, और इसमें जो नए दिशा निर्देश आए हैं इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब द्वारा और डीएम साहब द्वारा दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो व्यापारिक संस्थान है वो खुल सकते हैं, जिसमें लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी गतिविधियाँ करी जाएंगी, और शाम को 7 बजे के बाद जो है वो सारी गाड़ियाँ जो हैं लोगों का आवागमन प्रतिबंधित है, जिसमें अगर कोई ऐसा पाया जाता तो उसके खिलाफ़ धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई करी जाती है।